फ्रेंड, वेलकम टू शिवीज क्लासेस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास टू के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट। इस वीडियो में हम अल्फाबेट फन टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बच्चों को ये टॉपिक आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे आप ये वर्कशीट देख रहे हैं, इसी तरह से मैंने टोटल 13 टॉपिक्स पे वर्कशीट्स प्रिपेयर की हुई हैं, जिससे कि आप अपने बच्चों को इजीली समझा के उन्हें ये टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो वो टोटल 13 टॉपिक्स में मैंने 44 पेजेस में कंप्लीट किया है। तो वन बाय वन मैं वो सारी वर्कशीट्स पे वीडियोज़ करूँगी, जिससे कि आप अपने बच्चों को ईजिली पढ़ा सकें, उन्हें ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकें। आप चाहें तो ये सारी वर्कशीट्स नोट डाउन करके वन बाय वन, जैसे जैसे मैं वीडियोस डालती जाऊंगी, आप ये वर्कशीट नोट डाउन करके बच्चों को सॉल्व करा सकते हैं। और इन केस आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरा बंडल एक साथ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी हुई है, वहाँ जाके आप ये सारी वर्कशीट्स मुझसे खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक चीज़ और, हमारा दो नया चैनल है लर्न जीके इजी एंड शिवीज क्लासेस जोन। लर्न जीके इजी पे हम बच्चों से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस डालते हैं, और शिवीज क्लासेस जोन पे हम क्लास 3, 4, 5 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स एंड सिलेबस डालते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे वो दोनों चैनल्स भी सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह से आपने शिवीज क्लासेस को सपोर्ट किया है, उसी तरह से हमारे दो नए चैनल्स को भी सपोर्ट करें। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फाबेट फन समझाने से पहले आपको सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। दीज 26 लेटर्स मेक अप द अल्फाबेट फैमिली, और यही 26 लेटर्स मिलके अल्फाबेट फैमिली बनाते हैं। द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल्स। तो 26 लेटर्स में जो 5 लेटर्स होते हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवल्स होते हैं। द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, और जो बाकी के लेटर्स बचते हैं लाइक बी सी डी एफ जी, तो वो सारे अदर लेटर्स क्या होते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो इस टॉपिक में बस यही चीज़ें बच्चों को करानी है। अब अल्फाबेटिकल फन मतलब उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे क्वेश्चंस को किए जाते हैं वो सिखाना है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप इस तरह से बच्चों को ये क्वेश्चंस कराएं। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही इजी है, बच्चे क्लास यूकेजी एलकेजी में ये कई बार कर चुके होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग रहती है, तो स्टार्टिंग में बच्चों को यहीं से सिखाया जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक अ कम्प्लीट सेट। तो यहाँ पे पहले बच्चे ए टू जेड लिखेंगे, ताकि उन्हें एक बार फिर से पूरे लेटर्स रिवाइज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जब उन्हें सीक्वेंस में याद होगा ए टू जेड, तो वो इजिली इन सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले ए वाले वर्ड्स, फिर बी वाले वर्ड्स। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखा है टॉल, पोनी, सॉरी, टेन, मैरी। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? तो ऐसे तो यहाँ पे बच्चा ऊपर लिखा रहेगा, वहां से देख के लिख सकता है, और नहीं तो उसे पूरा ए बी सी डी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले लेटर आता है एम, तो यहाँ पे लिखेंगे मैरी। देन नेक्स्ट एम के बाद अब लेटर आएगा नेक्स्ट पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पोनी। देन आफ्टर पी, पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस, एस वाला वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, और एस के बाद आता है टी। बट यहाँ पे टी से रिलेटेड टू वर्ड्स हैं, तो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। इस केस में हम इसके नेक्स्ट वाला लेटर देखेंगे। यहाँ पे टी के बाद ए है, और यहाँ पे टी के बाद ई है, तो ए और ई में ए पहले आता है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे टॉल, और लास्ट में आएगा टेन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है पापा बाय लव यू टू। तो सबसे पहले बी वाला लिखेंगे, फिर बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल एल के बाद एम एन ओ पी, पी वाला वर्ड। अब
पी के बाद क्यू आर एस टी, तो नेक्स्ट आएगा टी वाला वर्ड और लास्ट में बच गया वाई वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट वाई। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स के नेम लिखे हैं, इन्हें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, अगेन पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, जी से कुछ नहीं है एच, तो सबसे पहले आएगा एच वाला लेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हिबिस्कस। एच के बाद आई जे जैस्मिन, जे के बाद के एल लोटस, एल के बाद एम एम एन ओ पी पेंसी, पी के बाद क्यू आर एस सनफ्लावर, एंड लास्ट ट्यूलिप। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है, तो आप इसको राइट कर लेना एल ओ टी यू एस लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें भी आपको वही कराना है बच्चों को, बोलिए कि ए बी सी डी पढ़ें और जो लेटर पहले आता है वो वर्ड पहले लिखें। लाइक इसमें सबसे पहले आएगा अमेरिका, देन ब्राज़ील, देन चाइना, देन इंडिया, एंड लास्ट में आएगा नेपाल। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी बच्चे करेंगे। नेक्स्ट है, राइट नेम्स ऑफ एनी सिक्स वेजिटेबल देन अरेंज देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एनी सिक्स वेजिटेबल्स के बच्चों को नाम लिखने हैं, एक बार वो ऐसे ही नाम लिख लें याद करके, फिर उसे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखें। तो इस तरह के आप और भी क्वेश्चंस घर में बना सकते हैं, जैसे आप रैंडमली कुछ भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के नेम बच्चों को बोल दें लिखने के लिए डिक्टेट कर करके, और उसके बाद आप बोलिए कि उन्हें वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। तो ये था अल्फाबेट फन। होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इस तरह से आप अपने बच्चों को भी समझाएं, उनसे ये वर्कशीट सॉल्व कराएं और उनकी प्रैक्टिस कराएं। इसी तरह से मैंने जैसे कि सेंटेंस से रिलेटेड टॉपिक पे वर्कशीट किया हुआ है, देन नाउन है, इसी तरह से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वर्कशीट्स प्रिपेयर की हैं। तो आप चाहें ये वर्कशीट खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ये वर्कशीट्स मुझसे ले सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे दो नए चैनल लर्न जीके इजी एंड शिवीज क्लासेस जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।